मेरे आदरणीय पिताजी डॉक्टर जगदीश चंद, मेरे छोटे भाई रवि और मेरे छोटे भाई जगदीप नायक और प्यारे बच्चों, आज मैं अपने आप को बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं इस ज्ञान के मंदिर अर्थात जीपीएस स्कूल की पावन धरा पर इस उड़ान नाम के प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ। इसके लिए मैं रिस्पेक्टेड जिले सिंह सर, सुभाष सर और जीपीएस स्कूल के पूरे स्टाफ को का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज मुझे जो खुशी महसूस हो रही है उसको तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्कूल की विद्यार्थी रही हूँ और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आज जीपीएस स्कूल में मेरे तीन भतीजे और भतीजी भी शिक्षा ले रहे हैं, इस स्कूल के विद्यार्थी हैं। मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और 2002 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुई, और हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के बाद मैंने हरियाणा पुलिस में 4 बार ट्रेनिंग की, पहले कांस्टेबल के लिए, फिर हेड कांस्टेबल के लिए और फिर एएसआई और फिर सब इंस्पेक्टर के लिए। हमारे हरियाणा पुलिस एकेडमी में भी हमारे कुल लोग के 17 से 18 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट का अलग अलग इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका रिस्पेक्टेड जिले सिंह सर का था वो मेथड मैंने आज तक नहीं देखा। आज जो मैं आपके सामने हूँ, रिस्पेक्टेड जिले सिंह सर, सुभाष सर से भी मेरे को थोड़ा सा मौका मिला पढ़ने का, लेकिन ज्यादा श्रेय रिस्पेक्टेड जिले सिंह सर को जाता है और मेरे पिताजी को जाता है। आज मैं मेरे गुरुजनों की वजह से और मेरे पेरेंट्स और खासकर मेरे पिताजी की वजह से आपके सामने इस यूनिफॉर्म में हूँ। मैं पहली महिला हूँ कैलरम गांव से जो किसी भी फील्ड में किसी भी जॉब में भर्ती हुई हूँ। मेरे से पहले कोई भी लड़की कैलरम गांव से किसी भी फील्ड में नहीं गई थी, और जब मैंने पुलिस के लिए फॉर्म भरे थे उस समय परिवार वालों ने, आस पड़ोस वालों ने बहुत ही विरोध किया था कि लड़कियां पुलिस में जाएंगी, चौराहे पे खड़ी होंगी, लड़कियों के लिए जॉब अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी ने किसी की नहीं सुनी और मुझे पुशअप किया और मेरे साथ साथ रहकर मेरी फिजिकल की तैयारी करवाना, मेरे साथ जहां भी जाना होता था मेरे पिताजी मेरे साथ जाते थे और बहुत अच्छे विचार रहे मेरे पिताजी के। अगर मेरे पिताजी भी ऐसे रूढ़िवादी विचार के होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं अपने पिताजी का एहसान कभी नहीं भूल सकती। और प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ते थे तो वो फैसिलिटी नहीं थी जो आज मैं देख रही हूँ, ना बस होती थी, हम पैदल जाते थे चाहे बारिश थी, और कट्टे से झूल बना लेते थे जब बारिश आती थी। हमारे पास छाता भी नहीं होता था और बैठने के लिए डेस्क और ये बेंच भी नहीं होते थे, टाट के नीचे या कट्टे बिछा बिछा के हम बैठते थे। आज आपके पास हर फैसिलिटी है, आप बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हो और कामयाब हो सकते हो। किसी भी सफलता के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। सबसे पहले है अनुशासन। अनुशासन बहुत मायने रखता है। अनुशासन का मतलब होता है जहां पर हम जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, चाहे घर भी हो, अनुशासन हर जगह है, वहां के रूल रेगुलेशन और दिशा निर्देश को फॉलो करना, यानी कि वहां के शासन के अनुरूप कार्य करना ही अनुशासन है। अगर आप अनुशासन में रहोगे, सेकंड इसमें आता है लगन। अनुशासन में रहोगे, लगन से अपनी पढ़ाई करोगे, निरंतर अपनी समाज स्टडी करोगे और अपना गोल रखोगे। हर बच्चे का अपना एक गोल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हाँ, मैं भी अपनी बहन की तरह ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहनूं, या भाई रवि की तरह मैं गेम में जाऊं, या फिर भाई जगदीप की तरह मैं ये एग्रीकल्चर का फील्ड चुनूं। किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में कामयाब हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
जो आपकी चॉइस है, लेकिन आपका एक गोल होना चाहिए और उस गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए लगन और मेहनत से आपने पढ़ाई करनी है। आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तरह तरह के लोग आएंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे और डीमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन कुछ स्थितियों में हमें गुंडा और बहरा बन जाना है और अपने गोल पे ध्यान रखकर निरंतर मेहनत करनी है, अपने गुरुजनों का आदर करना है, अपने गुरुजनों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। और मैं नहीं मानती, रिस्पेक्टेड जिले सिंह सर और सुभाष सर के मार्गदर्शन में आपको ज्ञान की कोई कमी रह जाएगी। हमारा ये जीपीएस स्कूल पूरे गांव में ही नहीं, पूरे ग्राउंड में अपना एक नाम रखता है। मुझे नहीं लगता आस पास के किसी भी गांव का मुकाबला जीपीएस स्कूल का कोई भी स्कूल मुकाबला कर सके, मैं नहीं मानती, क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है और बहुत अभाव में, बहुत फैसिलिटी नहीं थी, बहुत अभाव में मैंने पढ़ाई की है। और आज तो मैं देखती हूँ तो बस मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और ये जो प्रोग्रेस की है सर ने, ये जो बिल्डिंग है, इस बात की गवाह है। और मेरे जैसे मेरे कलरम गांव के सर से पढ़कर कम से कम भी सैकड़ों बच्चे कामयाब हुए हैं, एक मैं ही नहीं, सैकड़ों बच्चे अलग अलग फील्ड में कामयाब हुए हैं। और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे रिस्पेक्टिव जिले सिंह सर और सुभाष सर को मालिक तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे और इनके मार्गदर्शन में, इनकी मेहनत से जीपीएस स्कूल का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों बच्चे कामयाब होकर इस स्कूल का, अपने माँ बाप का और मेरे गांव का नाम रोशन करें। वैसे तो देखो कठिनाइयां बहुत आती हैं और किसी भी अचीव को हासिल करने के लिए इतना आसान नहीं होता, करना आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। अगर आपने ठान लिया कि मैंने इस मुकाम को हासिल करना है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं नहीं कहती कि आप 18-18 घंटे 24-24 घंटे स्टडी करो, नहीं, आप चाहे 4 या 5 घंटे स्टडी करो लेकिन स्मार्ट स्टडी करो, डिसिप्लिन में रहो। अगर आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको आपकी गलती पे डांटते हैं तो उसको दिमाग पे मत ले, वो आपके शुभचिंतक हैं ना कि आपके दुश्मन। और टीचर्स का रिश्ता तो अपने बच्चों के प्रति इतना अधिक हो जाता है, लगाव इतना अधिक हो जाता है, मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स से भी ज्यादा लगाव एक टीचर का हो जाता है अपने बच्चों के प्रति। अगर वो आपको डांटेंगे, आपकी गलती पे आपको थोड़ा बहुत मारेंगे, और हमें तो, मेरे को तो रिस्पेक्टिव जिले सिंह हाथ पे 4-4, 5-5 डंडे भी मार दिया करते थे पहले तो, आज तो मुझे नहीं लगता डंडे मारे जाते होंगे, हमने तो डंडे भी खाए हैं, कुट पीट के ये वर्दी पहनी है, वैसे ये वर्दी नहीं मिली, कुटे भी है पीटे भी है, तो वो हमारी भलाई के लिए था, बहुत पीटते थे हम लोग, आज तो नहीं मारते ना डंडे। अगर फिर भी सर आपको डांटेंगे, एक दो थप्पड़ लगाएंगे, तो वो आपके शुभ चिंतक है। आपने सिर्फ ये देखना कि आज सर ने मुझे क्यों डांटा, क्या कमी रह गई जो सर ने मुझे डांटा, तो उस कमी पे सोचो, एनालाइज करो और उसको दूर करने की कोशिश करो कि आगे में ये, वैसे कोई नहीं डांटता, चाहे पेरेंट्स हो और चाहे टीचर्स हो, कोई भी नहीं डांटेगा अगर आपकी गलती नहीं होगी। आप देखो कि भाई हाँ मैंने क्या गलती की, उसमें सुधार करो और निरंतर मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं 2002 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुई थी, किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, वहां पर भी हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। मेरे साथ भर्ती होके आज मेरे साथ की लड़कियां हेड कॉन्स्टेबल तक भी रह गई हैं। इसके लिए हमें आगे हमारा एलिजिबल टेस्ट होता है हेड कॉन्स्टेबल के लिए, मैंने वो हिस्सा रेंज में प्रथम स्थान पर क्वालिफाई किया। और मेरे 21 साल की नौकरी में कम से कम मेरे सीनियर ऑफिसर के 50 से 60 रिवॉर्ड हैं, एप्रिसिएशन रिवॉर्ड और अलग अलग रिवॉर्ड हैं। और एक बार कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे माननीय सुरजेवाला के द्वारा मुझे 15 अगस्त पर सम्मानित किया गया मेरे अच्छे काम के लिए। डीसी सर के द्वारा सम्मानित किया गया, मेरे पास मेडल्स, रिवॉर्ड्स और बहुत सारी ट्रॉफी भी हैं। और 21 साल की नौकरी में मैं सब इंस्पेक्टर बन गई और अभी मेरे पास 18-19 साल की नौकरी बकाया है, वो आप लोगों की दुआओं से। मालिक को क्या मंजूर है वो तो भविष्य के गर्भ में है, कहाँ तक जाऊंगी,
वो तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं आगे भी जो मेरा गोल है उसको अचीव करने के लिए मैं निरंतर मेहनत करूंगी, क्योंकि मेहनत करना और अनुशासन में रखना तो मेरे रिस्पेक्टेड सर जिले सिंह ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था, उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। और सर से प्रेरित होकर मैंने 14 साल की नौकरी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में टीचिंग लाइन को चुना। अब मैं हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में लॉ फैकल्टी के रूप में इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता पढ़ाती हूँ, और कॉन्स्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक तक के जितने भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारीगण कर्मचारीगण वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं सभी को मैं प्रशिक्षण दे रही हूँ, और कोशिश कर रही है मैं अपने गुरु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए कुछ न कुछ बेहतरीन प्रशिक्षण देने की कोशिश करूँ। प्रेफर तो मैं सर वाला टीचिंग मेथड नहीं अपना सकती, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश मैं जरूर कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दूँ। और मेरे गाँव के लड़के यहाँ पर भी हैं, संजीव सर ये भी अभी मेरे पास ASI की ट्रेनिंग करके आए थे, बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने इनको पढ़ाए हैं। और हमारे एक रिस्पेक्टेड जिला सिंह सर की साइड से है खातियों का लड़का, पहले वो नेवी में होता था सुरेश, और अब सब इंस्पेक्टर भर्ती होके गया है हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में, उसको भी मैंने पढ़ाया है और अब वो वहीं पे जॉब करता है। और 2-3 बच्चे और कई बच्चे गए हैं, पंडितों का लड़का था हमारी साइड से, एक जाटों का लड़का था, बहुत बच्चे गए हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। और बहुत गर्व होते हैं जब मेरे कलरम गांव का बच्चा अलग अलग फील्ड में जाता है और मेरे पास भर्ती होके आता है, मुझे भी प्राउड होते हैं और उसे भी प्राउड होते हैं कि हम ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे और मेरे गांव की लड़की हमारी बहन और मेरी बेटी हमें आगे मिलेगी, इनको तो अंकल जी कहते हैं हमारी बेटी और बहन आगे मिलेगी, तो बहुत प्राउड होता है। और मेरी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर सभी करें, अनुशासन में रहें, टीचर्स का बिगाड़ करें और माता पिता की बातों को अदरवाइज ना लें। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे हैं या हमारे बुजुर्ग जो हमारे हित की बात करते हैं वो कम पढ़े लिखे, क्या जानते हैं, मानते हैं जनरेशन गैप बहुत मायने रखता है, लेकिन हमारे माता पिता के पास बुजुर्गों के पास जो एक्सपीरियंस है वो तो एक अलग ही अपनी जगह रखता है। हम ठीक है एजुकेशन है हमारे पास, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारे पेरेंट्स के पास है, तो उनकी बातों को अदरवाइज ना लें, अपने माता पिता की बात को अपने जीवन में उतारें। डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उनकी डांट डपट को उनकी पिटाई को कभी भी अपने मन पर ना लें, क्योंकि जब कुम्हार किसी भी मिट्टी के बर्तन को कोई सेक देते हैं तो उसको पीटता भी है, लेकिन वे अंदर हाथ लगा के रखते हैं ताकि बर्तन टूट ना जाए, ऊपर से पीटता, तो ऐसा ही काम हमारे पेरेंट्स और गुरु जी करते हैं, वो हमें हर टाइप की सेक देने की कोशिश करते हैं। और लेकिन इसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, वो कितना भी अफोर्ड करे, लेकिन आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी निरंतर, समाज सेवा करनी पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ, मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि मेरे गांव की लड़कियां यूनिफॉर्म में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में और बाकी भी बच्चे जाएं, और मुझे बहुत प्राउड फील होगा जब हमारे गांव का बच्चा कोई कामयाब होगा। और मुझे उम्मीद भी है रिस्पेक्टेड सर के मार्गदर्शन में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सर मेहनत ही इतनी करते हैं जिसको बस शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। हम तो सर के पास पड़े हैं, लेकिन वो ठीक अलग बात है, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी और आज तो भरपूर सुविधाएं हैं, मुझे नहीं लगता, बाकी तो अभी स्कूल को देखूंगी मैं, मुझे नहीं लगता किसी स्कूल सुविधा की कमी होगी। तो आपने बहुत मेहनत करनी है और मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं रिस्पेक्टेड सर का, सुभाष सर का और जिले सिंह सर का, पूरे स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।